राजस्थान मरुभूमि की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है लूणी नदी, इंदिरा गांधी नदी, माही नदी, जवाई नदी। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर जो है इसे राजस्थान मरुभूमि की जीवन रेखा कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों टोटल जो सदस्य है विधानसभा के उसके 15% रह सकते हैं, तो टोटल 200 सदस्य है तो उसका 15% निकालिए दोस्तों, तो 30, तो 30 मंत्री रह सकते हैं मुख्यमंत्री सहित राजस्थान विधानसभा में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली किसे माना जाता है? मारवाड़, आमेर, मेवाड़, अलवर। तो दोस्तों जो मेवाड़ जो शैली जो है वो राजस्थान की चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली, सबसे पुरातन शैली की श्रेणी में आती है। ऑप्शन सी पर टिक लगाइए, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर में, कोटा में, लाखेरी बूंदी में और सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो है सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, बैराट, जयपुर। दोस्तों कालीबंगा, हनुमानगढ़, जिसे काली चूड़िया या काले रंग की चूड़िया के नाम से जाना जाता है, तो कालीबंगा, हनुमानगढ़ में राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 6, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बारा में, बूंदी में, कोटा में, जयपुर में। तो रामगढ़ विषधारी जो अभयारण्य जो है वो बूंदी जिले में स्थित है, तो बूंदी जिला ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट आंसर है, चौथा टाइगर रिजर्व। छप्पनिया अकाल किस वर्ष घटित हुआ? तो दोस्तों छप्पनिया अकाल 1956 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। तो दोस्तों छप्पनिया जो अकाल है 1899 ईस्वी में संपन्न हुआ था। दोस्तों विक्रमी संवत जो है वो 1956 था और ईस्वी जो है 1899। अगला है दोस्तों, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? गोगुंदा में, चित्तौड़ में, माडलगढ़ में, बांडोली में। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जो छतरी है बारडोली में स्थित है, तो ऑप्शन डी बारडोली हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी पर टिक लगाइए दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अमृता देवी के बलिदान की याद में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों खेजड़ीली जोधपुर में। अगला है, ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 2014 में ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दो महानगर हैं जयपुर कोटा, जयपुर उदयपुर, जयपुर जोधपुर, जयपुर अजमेर। तो दोस्तों जयपुर जोधपुर राजस्थान के दो बड़े महानगर हैं, इन्हें दोस्तों दो और दो यानी कि 4 जिलों में तब्दील कर दिया गया है, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम में। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 150, 140, 160 और 170। तो राजस्थान की पहली विधानसभा में दोस्तों 160 जो विधानसभा सदस्य थे, तो 160 यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। राजस्थान की पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या, वर्तमान में सदस्यों की संख्या दोस्तों 200 हैं। चांदी के गोले दागने वाला एकमात्र किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चांदी के गोले दागने वाला एकमात्र किला चूरू, सीकर, भरतपुर, धौलपुर। तो चूरू का जो किला है वो अपनी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए यहाँ के शासक ने चांदी के गोले दागे थे। ऑप्शन ए चूरू का किला हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, गंभीरी और बेड़ेज नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? बेसरोडगढ़, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। तो दोस्तों गंभीरी और बेड़ेज नदियों के संगम स्थल पर जो किला जो है वो है चित्तौड़गढ़ है। तो ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ पर टिक लगाइए, ये गंभीरी और बेड़ेज नदियों के संगम पर है। अगला है दोस्तों,
औरंगजेब ने किसी जांगलदर बादशाह कहा था, राय सिंह को, लूणकर्ण को, अनूप सिंह को, कर्ण सिंह को? तो औरंगजेब ने जिसे जांगलदर बादशाह की उपाधि दी थी वो है कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह को औरंगजेब ने जांगलदर बादशाह कहा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोड़बीड़ बीकानेर में, अनूपगढ़ गंगानगर में, सम जैसलमेर में, रामसर अजमेर में? तो दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हुआ, जोड़बीड़ बीकानेर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। अगला है दोस्तों, मीरा महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? जनवरी में, अक्टूबर में, फरवरी में, दिसंबर में? तो मीरा महोत्सव जो है दोस्तों वो आयोजित किया जाता है अक्टूबर में। तो ऑप्शन बी अक्टूबर पर टिक लगाइए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब घटित हुआ? तो दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड ऑप्शन ए 5 सितंबर 1904 को, 7 दिसंबर 1908 को, 7 मार्च 1911 को और 7 मार्च 1922 को? तो दोस्तों मानगढ़ जो है वह हत्याकांड 7 दिसंबर 1908 को घटित हुआ था, ऑप्शन बी पर टिक लगाइए। अगला है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मथाई नदी, मानसी नदी, जवाई नदी, सुकड़ी नदी? तो रणकपुर की जो जैन मंदिर जो है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए मथाई नदी पर टिक लगाइए। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों काले हिरणों के लिए। गजनेर अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, तालचापर अभ्यारण्य यानी चूरू और सरिस्का अभ्यारण्य अलवर? तो दोस्तों काले हिरणों के लिए तालचापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी तालचापर पर टिक लगाइए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, राजस्थान गठन के समय कितनी रियासतें थी? दोस्तों राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और निमराना, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर और मेरवाड़ा में राजस्थान विभक्त था।